Hi everyone, I'm Dr. Milikul Srech from Erudite Chemistry and you are going to learn today sulfonation of benzene ring. तो शुरू करते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन रिंग. मैं आपको बताऊंगी पहले ओवरऑल रिएक्शन ऑफ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन रिंग, देन वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. तो शुरू करते हैं द रिएक्शन कॉल्ड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन. तो हियर इट इज अ ओवरऑल रिएक्शन. हियर आई हैव टेकन बेंजीन रिंग एंड आई एम गोइंग टू रिएक्ट इट विद द सल्फ्यूरिक एसिड. कौन सा? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू benzene sulfonic acid. So this is your overall reaction. So what is going to form? SO3H group will be added to it and water will also be formed in this reaction. Do remember this reaction is a reversible reaction. So you will apply the Lee Shetley principle in that. मतलब कि अगर आप concentrated SO4 का amount बढ़ाएंगे तो reaction will proceed to the forward direction so that आपके product ज़्यादा बने. लेकिन अगर आपने यहाँ पे dilute SO4 लिया, मतलब the amount of water is increased, in that case water increase होने पर आपका reaction will go in the backward direction. तो especially you have to take care that you are going to take concentrated H2SO4 in this reaction. ठीक है, let us start with the mechanism of this reaction. यहाँ जो बन रहा है उसका नाम है benzene sulfonic acid. Let's start with the mechanism of the reaction. तो सबसे पहला step है generation of electrophile. हम सबको पता है कि benzene ring undergoes the electrophilic substitution reaction. मतलब electrophile is going to attack on the benzene ring. अब electrophile होते हैं वो species जो कि electron loving होते हैं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होने वाला है? इन जनरल अगर हम एक व्यू में देखें तो हमें दिखता है यहाँ पे H+ एंड HSO4 माइनस विल बी जनरेटेड. बट क्योंकि H+ के बदले यहाँ पे बेंजीन रिंग का H+ कोई सब्सटीट्यूशन नहीं देगा और HSO4- इज नॉट गोइंग टू अटैक क्योंकि ये माइनस है. तो हाउ द इलेक्ट्रोफाइल SO3H+ इज जनरेटेड, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. तो लेट अस सी व्हाट हाउ इट इज जनरेटेड. तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ HOSO3OH, यानी ये जो है आपका मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. दिस इज गोइंग टू रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. लेट्स सी OH डबल बॉन्ड O. यहाँ पे है इसके लोन पेयर, सबके पास और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर आते हैं. सो व्हाट विल हैपन, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ वन सल्फ्यूरिक एसिड इज गोइंग टू अटैक ऑन द हाइड्रोजन ऑफ अनदर सल्फ्यूरिक एसिड. And this hydrogen will give its bond pair to this oxygen and will come out as H+. So, जिसकी वजह से क्या होगा? ये इसके साथ connect हो जाएगा. Now, let's see what will be generated here. मैं पूरा के पूरा molecule ऐसे ही draw कर दूँगी. हमें H O S double bond O and O H 2. Check this O H 2. So this is OH2. क्योंकि now this oxygen is connected with the 3, तो इसके ऊपर कितने charges आ गए? It is positive 1. Now what is left out? SO, SO, OH, O, and O-. ठीक है? So this is what we are left out with. SO4. HSO4 is left out. HSO4, H+ निकलने के बाद. ठीक है, तो आपके पास ये स्पीशीज आपको मिली. नाउ दिस वाटर इज गोइंग टू बी आउट बाय टेकिंग वन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम इट, लाइक बॉन्ड पेयर विल शिफ्ट टू दिस साइड एंड विल टर्न इनटू द लोन पेयर, जिसकी वजह से यहाँ पे हो जाएंगे 5 बॉन्ड. तो उनको 6 करने के लिए, 6 क्योंकि आपका सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन 6 स्टेट है. तो ये क्या होगा, आपका जो जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये जो लोन पेयर है दीज आर गोइंग टू बी शिफ्टेड टू दिस साइड. लेट्स सी हाउ, सल्फर डबल बॉन्ड ओ, वाटर विल बी आउट, तो मैं H2O लिख देती हूँ. यहाँ पे दिस इज सल्फर ओ एंड ओ डबल बॉन्ड ओ एंड देन एच. सो दिस विल एक्वायर नाउ पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से आपको ये जो स्पीशीज मिली, दिस स्पीशीज इज गोइंग टू वर्क एज एन इलेक्ट्रोफाइल. ओके, सो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में दिस स्पीशीज इज गोइंग टू वर्क एज इलेक्ट्रो
5 काफी इंपॉर्टेंट है. लेट अस सी हाउ इट इज गोइंग टू कनेक्ट विद द बेंजीन रिंग. तो सेकंड स्टेप में देखिए, दिस इज योर बेंजीन रिंग. नाउ दिस बेंजीन रिंग, अब इसमें देखिए दिस बॉन्ड इज गोइंग टू शिफ्ट टू दिस वन ऑफ द कार्बन, जिसकी वजह से क्या होगा, दिस बेंजीन रिंग विल टर्न इनटू, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स विल रिमेन सेम, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव. यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी आपका एक हाइड्रोजन है, बोथ द कार्बन्स आर कंटेनिंग वन हाइड्रोजन हियर. दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज नाउ गोइंग टू अटैक ऑन द सल्फर, यहाँ पे अटैक करेगा. तो क्या होगा, लेट्स सी, मैं यहाँ पे वापस से ड्रॉ कर रही हूँ स्ट्रक्चर. एस ओ ओ एस ओ ओ ओ एच. तो जब ये अटैक करेंगे, हम यहीं पे दिखा देते हैं इसका अटैक. दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस. व्हाई इट इज पॉजिटिव हियर, क्योंकि जैसे ही ये अटैक कर रहा होगा, या मैं ऐसे कहूँ, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा तब ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव, और तब ये अटैक करेगा इसके ऊपर. एंड देन व्हाट विल हैपन, ये बॉन्ड विल बी सिंगल बॉन्ड और ये आपका लोन पेयर हो जाएगा. नाउ लेट अस मेक इट, एक ड्रॉ करके बताती हूँ मैं आपको यहाँ पे. मैं अभी इसको यहाँ डबल करती हूँ, ठीक है. दिस इज गोइंग अटैक हियर, सो व्हाट विल लेफ्ट आउट, आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस एट द लिटिल डाउन साइड, सो दिस विल बी क्लियरली विजिबल टू यू. ना ये है आपका डबल बॉन्ड, वेर एवर दे वर, जहाँ पे जो था वही रहेगा. एच आपका यहाँ था, इट विल बी रिमेनिंग कनेक्टेड. यहाँ पे ये एच है जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्यों, बिकॉज दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू दिस कार्बन एटम ओनली. तो ये आपका हो गया. अब कनेक्शन देखिए, सल्फर कनेक्टेड विथ ओ एंड ओ, कनेक्टेड विथ ओ एंड ओ, एंड वन इज ओ एच, ओ एच. तो ये आपका बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ, दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू दिस साइड, लोन पेयर साइड में, ठीक है. तो ये आपका पहले से नहीं है, लोन पेयर. ओके, सो दिस इज एस ओ थ्री ओ एच, एस ओ थ्री एच, ठीक है. अब ये जो एच है ये यहाँ है और ये भी एच यहाँ है. Now there is one problem that the aromaticity of this compound, यानी conjugation जो है वो इसका टू ड्राइविंग का, and if the conjugation is not there, ring is not going to be stabilized. तो अब क्या होगा, जो आपका यहाँ पे HSO4 generate हुआ है, this is going to take one of the H from here. तो ये जो है HSO4 minus, this is going to take the H, तो इससे बनेगा आपको H2SO4, वापस generate हो गया. यहाँ पे क्या हुआ, if this bond is gone, check this, ये गया. तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक एच की कमी हुई, तो डबल बॉन्ड विल बी क्रिएटेड अगेन. तो इसका जो कॉन्जुगेशन है वापस से रोटेशन में आ जाएगा, एंड व्हाट इज फॉर्म्ड अगेन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एस ओ थ्री एच, ठीक है. तो ये आपका हो गया, हाइड्रोजन तो पहले से लगा हुआ है, प्लस इसका चार्ज अब हट जाएगा, ये डबल बॉन्ड अब हट गया. देन दिस हाइड्रोजन इज गॉन, ये हाइड्रोजन का प्लस था, इस पे कमी थी, ये हाइड्रोजन यहाँ से गया तो यहाँ भी कमी होगी. नाउ दीज आर गोइंग टू मेक द डबल बॉन्ड. तो इस तरीके से आपको मिल गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड. नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर हियर, एंड दैट इज डीसल्फोनेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो अगर आपने इस सल्फोनिक एसिड का, आई एम गोइंग टू लव दिस रिएक्शन, इसकी जगह मैं यहाँ पर चेक दिस, अगर मैं यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड का डीसल्फोनेशन कराना चाहती हूँ, तो आई हैव टू हीट इट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो अगर आपका 40 डिग्री सेल्सियस पे इफ यू आर हीटिंग इट, तो 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पर भी अगर आप इसे हीट करते हैं, तो आपका जो सल्फ्यू, ये जो SO3 है, दिस SO3 इज गोइंग टू मूव आउट एज अ गैस, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट है 45 डिग्री सेल्सियस. तो आपका जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये बाहर हो जाएगा और बेंजीन रिंग वापस से बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड डीसल्फोनेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड. हाउ इट इज डन, इट इज डन बाय हीटिंग द बेंजीन सल्फोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. क्या निकल रहा है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर ट्राई ऑक्साइड इज 45 डिग्री सेल्सियस. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सल्फोनेशन एंड डीसल्फोनेशन ऑफ द बेंजीन रिंग. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.